कांग्रेस का कहना है कि उन्होंने ऐसा स्पेसिफिकली नहीं बोला है, जो कि उन्होंने मैनिफेस्टो में बोला है उसमें लिखा है कि इनकरेज और असिस्ट करेंगे स्टूडेंट्स को बिलोंगिंग टू द माइनॉरिटीज़। उन्होंने ये कहा है कि विल इंश्योर माइनॉरिटीज़ रिसीव देयर फेयर शेयर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, ये बोला है। तो इसको आप कैसे पढ़ते हैं, मतलब इनके मैनिफेस्टो को? मुझे पकड़ने की जरूरत नहीं, मैंने 1990 से आपको हिसाब दिया है भाई जी। 1990 का हिसाब देखोगे उसके बाद आप क्या कहोगे मुझे? अब मुझे उसमें एनालिसिस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती जी। आपको 1990 से लेकर के डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के 2009 के बयान तक और सारी चीजों को एक टेबल पर लेकर के देखोगे तो आप बिल्कुल इसमें से क्या निकालोगे भाई? मैं नहीं निकाल रहा हूं जी, हर एक को यही निकालना पड़ेगा भाई। हाँ, मतलब कि एक एक करके यहां जाएंगे वो। और ये जो भागीदारी की बात करते हैं इंस्टीट्यूशंस में कि जजेस ओबीसी नहीं है, मीडिया में ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन कम है, इसको आप कैसे देखते हैं? अब मुझे बताइए, जो 2014 में हम आए, हमने ऐसी कोई नीति बनाई है क्या जो जिसके कारण किसी को रुकावट हो जाए? तो ये उनके पाप है, उनके पापों को देश भुगत रहा है। अगर उन्होंने सच्चे अर्थ में सेकुलरिज्म किया होता, सच्चे अर्थ में सामाजिक न्याय किया होता, वोट बैंक की राजनीति न की होती, तो ये उनको आज इस प्रकार से झूठे कागजों को लेकर के घूमना नहीं पड़ता जी। मुझे विश्वास है कि 10 साल से मैं जो कर रहा हूं, स्थिति ऐसी आएगी कि जितनी बातें हैं उनका जवाब हम ही देंगे, कर कर के देंगे, हर एक को योग्य न्याय देंगे। आज हमारे पहले देश के राष्ट्रपति आदिवासी कैसे बने हुए, हमारी सोच के कारण बने। हमें 3 बार राष्ट्रपति बनाने का मौका आया, एक बार अटल जी के समय, 2 बार मेरे समय। पहली बार हमने किसको बनाया? माइनॉरिटी को बनाया जी, बिल्कुल अब्दुल कलाम जी को बनाया। मुझे मौका मिला पहला तो किसको बनाया? दलित को बनाया। दूसरा मौका मिला तो किसको बनाया? आदिवासी महिला को बनाया। तो ये हमारे आचरण से पता चलता है कि हमारी सोच क्या है।